नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप लोग देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बाला साहब ठाकरे के 10 रोचक किस्से। दोस्तों, अगर महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में बात करें और बाला साहब ठाकरे का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सीधी बोली, चेहरे पर आत्मविश्वास और लोगों को एकजुट करने का हुनर, इन्हीं विशेषताओं ने बाला साहब ठाकरे को महाराष्ट्र की राजनीति का अहम व्यक्ति बना दिया। बाला साहब ठाकरे का महाराष्ट्र के लोगों पर जो प्रभाव रहा, वो वाकई देखने वाला था। आइए दोस्तों जानते हैं बाला साहब ठाकरे के बारे में 10 रोचक किस्से। बाला साहब ठाकरे के पिता केशव सीताराम ठाकरे संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में प्रमुख रूप से सक्रिय रहे और महाराष्ट्र की राजनीति में अहम किरदार निभाया। केशव सीताराम ठाकरे ने अपनी ऑटोबायोग्राफी माजी जीवन कथा में लिखा है कि पहले उन्होंने पनवेलकर सरनेम को चुनना चाहा, लेकिन वो अंग्रेजी साहित्यकार मेकपीस ठाकरे से इतना प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए ठाकरे सरनेम को चुनना पसंद किया। तो दोस्तों, अब तो शायद आपको पता ही लग गया होगा कि बाला साहब ठाकरे का नाम कैसे पड़ा। जब बाला साहब ठाकरे फ्री प्रेस जर्नल में कार्टूनिस्ट के तौर पर काम कर रहे थे, तो उन्होंने कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ कई व्यंगात्मक कार्टून बनाए। इन्हीं दिनों फ्लोरा माउंटेन, जो आज हुतात्मा चौक है, वहां संयुक्त महाराष्ट्र समिति द्वारा बॉम्बे स्टेट को लेकर एक आंदोलन हुआ, जिसका मुद्दा था बॉम्बे महाराष्ट्र को सौंपा जाए, ना कि यूनियन टेरिटरी बनाया जाए और ना ही गुजरात में शामिल किया जाए, क्योंकि बॉम्बे में मराठी बोलने वाले लोग ज्यादा हैं, ना कि कोई और। दूसरी तरफ ऐसा ही एक आंदोलन था, महागुजरात मूवमेंट, जिसे गुजराती सपोर्ट कर रहे थे। मोरारजी देसाई, जो उस समय के बहुत बड़े राष्ट्रवादी नेता थे और बॉम्बे स्टेट के मुख्यमंत्री भी, वो बांटने वाली राजनीति के खिलाफ थे। 21 नवंबर 1955 के दिन इस आंदोलन के दौरान पुलिस फायरिंग में 15 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। बाला साहब ठाकरे ने इसके लिए मोरारजी देसाई को जिम्मेदार माना और अखबार में अगले दिन कार्टून बनाया, जिसमें मोरारजी देसाई को मैन ईटर बताया गया। बाला साहब ठाकरे के एक बयान ने तहलका मचा दिया था, जब उन्होंने कहा था कि वो एडोल्फ हिटलर के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हिटलर ने अपनी विचारधारा को जनता तक पहुंचाया, वो काबिले तारीफ था। एक बार उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि मुझमें और हिटलर में काफी समानताएं हैं। भारत को एक ऐसा लीडर चाहिए जो नरम भी रहे और वक्त आने पर जनता के लिए उसके एक हाथ में डंडा भी होना चाहिए। हालांकि 21 जनवरी 2007 में उन्होंने अपने इस बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि हिटलर एक क्रूर शासक जरूर था, लेकिन मेरी तरह वो भी एक कलाकार था। उसको देश और जनता को साथ में लेकर चलना आता था। हाँ, लेकिन यहूदियों का कत्लेआम बुरा था। हर इंसान में कुछ अच्छाइयां होती हैं, कुछ बुराइयां, मैं भी उससे अछूता नहीं हूं। बाला साहब ठाकरे भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैचों के बेहद खिलाफ थे। एक बार गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि हमें पिछली बातों को भुलाकर एक बार फिर नई शुरुआत करनी चाहिए। उनका इशारा पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और सरहद पर रोज होती भिड़ंत को भूलकर भविष्य के निर्माण की ओर जोर डाला। इस पर बाला साहब ठाकरे ने उन्हें आड़े हाथों लिया और अपने अखबार सामना में उन्हें ऐसी गलती ना करने की हिदायत दी, और साथ ही ये भी कहा कि वो महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे भारत में कहीं भी भारत पाकिस्तान का मैच होने नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि बाला साहब ठाकरे की हर बात को महाराष्ट्र की जनता ने आंख बंद करके माना हो। एक बार शिवसेना ने युवाओं को वैलेंटाइंस डे का बहिष्कार करने को कहा और इसके विकल्प के तौर पर कोई और दिन चुनने के लिए कहा। युवाओं ने इसे पसंद नहीं किया। इसे इत्तफाक ही माना जाए या कुछ और, अगले विधानसभा चुनावों में इसका उल्टा असर पड़ा और शिवसेना को विधानसभा चुनावों में कम सीटें मिली। बाला साहब ठाकरे से क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी फटकार खा चुके हैं।
बाला साहब ठाकरे ने हमेशा से ही मराठियों के लिए नौकरी में सुरक्षा मांगी। उनके अनुसार मराठियों को महाराष्ट्र में हमेशा यूपी बिहार वालों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता था, इसीलिए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बाहर से आए लोगों पर रोक लगाई जाए। इस पर सचिन तेंदुलकर ने ये कह दिया कि महाराष्ट्र तो पूरे भारत का है, यहाँ कोई भी आ सकता है जा सकता है। इस पर ठाकरे ने उन्हें आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सचिन क्रिकेट की पिच पर ही रहें, राजनीति का खेल उन्हें खेलने दें। उन्होंने अपने अखबार सामना में यहाँ तक कह दिया था कि एक बिहारी 100 बीमारी। बाला साहब ठाकरे ने भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को भी नहीं बख्शा। बाला साहब ठाकरे ने यहाँ तक कह दिया कि सानिया मिर्जा अपने ऑफ कोर्ट खेल की वजह से पॉपुलर हैं, ना कि ऑन कोर्ट खेल की वजह से। सानिया मिर्जा अपने लव अफेयर्स और टाइट कपड़ों की वजह से ही मीडिया में सुर्खियां बनाती हैं, ना कि अपने उम्दा खेल की वजह से। अगर सानिया मिर्जा का दिल सच में हिंदुस्तान के लिए धड़कता तो वो किसी हिंदुस्तानी से शादी करती, ना कि पाकिस्तानी क्रिकेटर से। बाला साहब ठाकरे का नाम पूरे भारत में तब और सुर्खियों में आ गया जब देश की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में साल 1993 में दंगे हुए। बहुत से लोगों का मानना है कि 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद हुए सांप्रदायिक दंगों में शिवसेना ने भूमिका निभाई थी। इन दंगों के बाद ही शिवसेना ने हिंदुत्व के एजेंडे की तरफ रुख किया। दोस्तों, बात साल 1975 की है, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई। जब पूरा भारत इमरजेंसी के खिलाफ था तो बाला साहब ठाकरे इमरजेंसी के समर्थन में आए, और आने वाले कुछ सालों में शिवसेना ने जल्द ही पूरे महाराष्ट्र में अपनी जड़ें जमा ली। बाला साहब ठाकरे की मृत्यु 17 नवंबर 2012 को कार्डियक अरेस्ट से मुंबई में हुई। वे 86 साल के थे। उनकी मृत्यु की खबर मिलते ही पूरा मुंबई मानो थम सा गया। पूरा महाराष्ट्र शोक में डूब गया। उनकी अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग आए। उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। ये सलामी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को ही मिलती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी खास पेशकश बाला साहब ठाकरे के 10 रोचक किस्से जरूर पसंद आया होगा। आगे भी हम आपको इसी तरह के रोचक किस्से सुनाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।